हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट लोकेशन। मैं हूँ स्नेहल वाडेकर और आज हम जा रहे हैं मुंबई के साइंस सेंटर में, जिसका नाम है नेहरू साइंस सेंटर। ठाणे से ट्रेन लेके मैं पहुंच गई लोअर परेल स्टेशन, बट आप महालक्ष्मी स्टेशन भी जा सकते हो। दोनों भी स्टेशन नेहरू साइंस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। और ये हम पहुंच गए लोअर परेल। लास्ट टाइम मैं लोअर परेल नेहरू प्लानिटोरियम विजिट करने आई थी, जो आप भी कर सकते हो, एंड इस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लोअर परेल स्टेशन से आपको दो ऑप्शन सेंटर पहुंचने के लिए अवेलेबल है। फर्स्ट तो कैब है, जो आपको मिनिमम फेयर में पहुंचा देती है, या फिर आप चल के भी जा सकते हो, जिससे हार्डली आपको 10 टू 15 मिनट्स लगेगा। टैक्सी से 3 टू 5 मिनट्स में आप पहुंच जाते हो नेहरू साइंस सेंटर। अब टैक्सी एंड ट्रेन के अलावा आप आपकी ओन व्हीकल्स भी लेके आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। एंड ये साइंस सेंटर का टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 6 PM तक है। सेंटर एंटर करते ही आपको लेफ्ट में दिखेगा टिकट काउंटर। टिकट काउंटर में काफ़ी सारे अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल है, जिसका नॉर्मल टिकट 70 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, एंड साइंस सेंटर, ओडीसी, 3D शोज का अकॉर्डिंगली लिखा गया है। टिकट लेते ही हम पहले एंटर करते हैं यहाँ के साइंटिफिक पार्क में। इस पार्क में काफी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेट किए गए हैं, जिनको आप यूज करके देख भी सकते हो, एंड दिए गए बोर्ड पे इसके इंफॉर्मेशन पढ़ के भी आप समझ के ले सकते हो। सेंटर घूमने के लिए आप मिनिमम 3 घंटे तो निकाल के ही आइए, बिकॉज यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ये पार्क, ओडीसी, एक्चुअल साइंस सेंटर, एंड बहुत कुछ जो हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक बेसिक टिकट निकाला था, जो कि 70 रुपीज़ का था, बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा शो अवेलेबल है, तो आप जब भी आओ इन शो के टाइमिंग ज़रूर कंफर्म करके ही आप टिकट निकालिए। ये साइंस सेंटर में नॉर्मल साइंस इक्विपमेंट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, जैसे कि ये पुराने ज़माने की स्टीम लॉरी, एंड उसके एग्जैक्ट साइड में स्टीम इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन। और ये सामने आप देख सकते हो इल्यूजन, जो सामने से अलग एंड साइड से आपको अलग दिखेगा। एंड यहाँ थोड़ा आगे जाते ही ये है पार्किंग स्पेस, और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे साइंस सेंटर की तरफ। साइंस सेंटर जाते वक्त आपको दिखेगा ये फाइटर जेट, एंड फाइटर जेट के साथ वहाँ पे रखे गए हैं पुराने ज़माने की ट्रेन। यहाँ कल्पना चावला के साथ काफ़ी सारे वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट के स्कल्पचर्स एंड उनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है।
नॉर्मली अगर आप चाहे यहाँ पे कोई टाइम क्लैशेस ना हो तो आई रेकमेंड कि आप यहाँ पे सुबह जल्दी पहुँच जाइए। साइंस सेंटर में अंदर बैग्स अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे अलग से बैगेज काउंटर्स भी है जहाँ पे आप आपका बैग आराम से सबमिट करके अंदर घूम सकते हो। नेहरू साइंस सेंटर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, एंड अगर आप यहाँ देखो तो हर मशीन के नीचे एक बटन दिया गया है जिसको आप अगर प्रेस करो तो आपको मशीन कैसे एंड क्या करती है वो आपको दिखाई देगी। और ये हम एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट डिपार्टमेंट में, साइंस फॉर चिल्ड्रन। यहाँ आपको बहुत सारी बेसिक साइंस देखने मिलेंगी, जैसे कि ये सेंस ऑफ हियरिंग। यहाँ पे अगर आप बटन प्रेस करो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारा ब्रेन एग्जैक्ट कहाँ पे सेंस करता है। सेकेंडली ब्रेल सिस्टम जो नॉर्मली ब्लाइंड लोग यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइट की स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट जैसी चीज़ें भी यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगी। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट बड्स भी है। और बाकी सारी साइंटिफिक चीज़ों के साथ यहाँ पे रखा था हेड ऑन प्लैटर, जहाँ पे ऑलमोस्ट क्राउड फोटोग्राफी कर रहा था। और इसके बाद अब हम जो बढ़ रहे हैं साउंड एंड हियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ। यहाँ एंटर होते ही आपको हर जगह से सिर्फ अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे आपको बहुत अलग तरह के आवाज़ सुनने मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एनिमल वॉइसेस, थंडर, स्टॉर्म, रेन्स और बहुत कुछ। बस इतना ही नहीं, बट आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी चेक कर सकते हो। और ये चालू होता है हमारा अगला डिपार्टमेंट, लाइट एंड साइट। इस डिवीजन में आपको नॉर्मल लाइट, शैडो, इल्यूजन, आई साइट विजन, विजन डिफेक्ट्स एंड आईज रिलेटेड बाकी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से जानने मिलेंगी। और ये है हमारा अगला डिपार्टमेंट, दैट इज मशीन्स। आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स देखने मिलेंगे। मशीन्स के बाद अब हम जाते हैं हॉल ऑफ इवोल्यूशंस में।
हॉल ऑफ एवोल्यूशन आपको फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, सन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ऐसी सारी चीज़ों का बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पे आपको 2 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ कैसी थी, ह्यूमन कैसे थे, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ ओरिजिनल स्पेसिमेंस भी रखे गए हैं, जैसे कि ये है ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन हार्ट एंड बफेलो हार्ट। और यहाँ पे फ्रॉग, लिजर्ड्स के हार्ट के स्पेसिमेंस हैं एंड ये है ह्यूमन एम्ब्रियो। और अब हम बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया की तरफ। यहाँ पे आप इंडियन कल्चर की एक छोटी सी झलक देख सकते हो। और ये हमारा आज का लास्ट का सेक्शन, दैट इज मिरर। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरह के मिरर्स आपको देखने मिलेंगे, जो काफ़ी फनी भी है एंड यहाँ पे आप थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी कर सकते हो। एंड आज का हमारा वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड अब देखते हैं आज के खर्चे, और जल्द मिलते हैं हमारे नए लोकेशन में हमारे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।